विधायक शोभा रानी की अनुशंसा पर स्वीकृत 41 सड़कों का मुख्यमंत्री ने वर्चुअल किया शिलान्यास। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल रूप से विधायक धौलपुर शोभा रानी कुशवाहा की अनुशंसा पर धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र की 41 सड़कों के सुंदरीकरण, नवीनीकरण, सीसी सड़कों, नाली निर्माणों का शिलान्यास किया गया। नगर परिषद सभागार में शोभा रानी कुशवाहा के द्वारा फीता काटकर पट्टिका का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, आयुक्त किंगपाल सिंह रजौरिया, उप सभापति माया देवी एवं नगर परिषद के पार्षदगण उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। सीवर लाइन चौक सड़कें बनी दलदल, आमजन का जीना दूभर। धौलपुर की प्रमुख खबर। मानसून की बरसात शुरू होते ही जिला मुख्यालय धौलपुर में नगर परिषद एवं उसके ठेकेदारों की कारगुजारी खुलने लगी है। लापरवाही पूर्ण कार्य के चलते शहर की अनेक कॉलोनियों के निवासियों का जीना दूभर हो रहा है। शिवनगर पोखरा कॉलोनी वासी सीवर लाइन चौक होने से गंदगी भरी कीचड़ से आवागमन करने को मजबूर हैं। समाज सेवी मनोज जाट द्वारा कई बार प्रशासन को, नगर परिषद ठेकेदारों को सूचना करने के बावजूद भी नहीं कराई गई सीवर लाइन खाली। भरी हुई सीवर लाइन के कारण गंदा बदबूदार पानी आम रास्ते में इकट्ठा हो गया है। नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार लिखित और मौखिक शिकायत करने के बावजूद आम लोगों की समस्या का निदान नहीं किया गया। धौलपुर से विवियन वीरो के लिए रनीश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे ये सीवर लाइन चौक हो रही है और नगर पालिका कह दी, कई बार एप्लीकेशन दे दी, कोई सुनवाई नहीं है। नाली बंद हो रही है, नाली आगे से बंद कर दी है, बरसात का पानी निकल नहीं रहा है। पानी नगर परिषद ने पानी भर रहा है निकलने के लिए। नगर परिषद ने ठेकेदारों को ठेका दे रखा है, आपने अभी तक ठेकेदारों को इसकी कंप्लेंट नहीं की है? सब जो है कंप्लेंट कर दे, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी। सीवर लाइन का ठेकेदार अलग है, नाली की सफाई का ठेकेदार अलग है। डेली फोन कर रहे हैं सीवर लाइन के ठेकेदार को, कोई जवाब ही नहीं है। मैं आ रहे हैं जो बोल देते हैं। जो एक दिन पहले पार्षद साहब के कहने पर एक गाड़ी आई थी, वो उसमें से पानी खींच लेगी, पर सीवर पूरी भरी हुई है तो उसमें से तुरंत वो भर गया। रोज यहाँ रोज लड़ाइयाँ होती है, बुरी बुरी समाई कर लेता कोई जाए तो, और समाई नहीं करे तो मान समाई है जाए। नाली बंद है वो तो कीच हो रही है सब में। सीवर खाली नहीं है, रास्ता बंद है, करने के लिए भी रास्ता नहीं है। वार्ड नंबर कौन सा आता है आपका? ये वार्ड नंबर 9 है, 11 9 और 11 दोनों वार्ड नंबर है। माता जी आप क्या कह रही है भाई? कहते नाली की जो आगे पानी जा रहा है, रास्ता नहीं है करने के लिए। युवा नेता प्रशांत हुंडावाल ने युवा मतदाताओं को जागरूक कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाए ने का किया आह्वान। धौलपुर की प्रमुख खबर। सामाजिक कार्यों में आगे रहकर अपनी भागीदारी निभाने वाले समाज सेवी एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल लगातार धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में पहुंचकर घर घर जनसंपर्क कर लोगों से जनसंवाद कर उनके गांव की समस्याओं को जान रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान प्रशांत हुंडावाल उन युवाओं को भी जागरूक कर रहे हैं कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और आगामी माह में होने वाले चुनावों में अपनी भागीदारी निभाकर लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुएं। इसी के साथ प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि धौलपुर विधानसभा को विकास की ओर ले जाने का उनका संकल्प है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ओंडेला रोड के आसपास के गांव सरानी सहित दर्जन भर गांव में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों की बुनियादी समस्याएं जानी, संबंधित अधिकारियों से बात कर उनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। धौलपुर से विवियन वीरो के लिए
सौरभ उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रिंस भैया, प्रिंस भैया, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रिंस भैया, प्रिंस भैया, प्रिंस भैया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री ने किया सड़कों का शिलान्यास। सरमथुरा की प्रमुख खबर। आज दोपहर उपखंड कार्यालय सरमथुरा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एवं कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने बसेड़ी विधायक अध्यक्ष एससी आयोग खिलाड़ीलाल बेरवा के सानिध्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बसेड़ी एवं सरमथुरा नगर पालिका की बजट घोषणा में हुई नवीन स्वीकृति सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सरमथुरा उपखंड अधिकारी मनीष कुमार, कांग्रेस कमेटी राजस्थान सदस्य भगवान सिंह कुशवा, जिला परिषद सदस्य बीरवल मीणा, नगर पालिका चेयरमैन जलालुद्दीन, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राम भरोसे मीणा, सुरेश गर्ग, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक त्रिपाठी, सरमथुरा तहसीलदार उत्तम गोयल, सरमथुरा नगर पालिका ईओ दीपक गोयल सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जिसके माध्यम से नवाचार ने किया कि नगर पालिकाओं को पहली। चंद्रयान 3 छोड़ने पर संपूर्ण देश में खुशी की लहर। श्री हरिकोटा नई दिल्ली की प्रमुख खबर। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 चंद्रमा की यात्रा के लिए छोड़ा गया। चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में छोड़ने की घटना का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे देश के करोड़ों देशवासियों ने देखा। भारत के वैज्ञानिकों की इस शानदार उपलब्धि पर संपूर्ण देशवासी बड़े ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं, साथ ही अपने वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर उन्हें दिल से बधाई दे रहे हैं। आपको बता दें, अंतरिक्ष में चंद्रमा की तरफ अपना रॉकेट लॉन्च करने वाला भारत विश्व का 4th देश बन गया है। बसेड़ी विधानसभा संभावित प्रत्याशी होतम सिंह जाटव लगातार जनसंपर्क में। बसेड़ी सरमथुरा की प्रमुख खबर। बसेड़ी विधानसभा संभावित प्रत्याशी होतम सिंह जाटव ने बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के गांव बिलोनी चामुंडा माता मंदिर पर आयोजित भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भंडारे में भाग लिया और जनता जनार्दन से मुलाकात की। इसके साथ ही सरमथुरा, भिंडीपुरा, मोठियापुरा, बांसुरई, नादनपुर, लीलोठी सहित लगभग 1 दर्जन गाँव का दौरा किया। इस दौरान बसेड़ी विधानसभा प्रत्याशी होतम सिंह जाटव के साथ वरिष्ठ पार्षद ओमवीर सिंह चौधरी, विनोद शर्मा, मुकेश कोहली, सुरजीत गुर्जर, जसवंत सिंह सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं पंच पटेल मौजूद रहे। नवीन उप तहसील नादनपुर का किया उद्घाटन। अन्य गांव में विधायक निधि से की अनेक घोषणाएं। सरमथुरा बसेड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा क्षेत्र के गांव नादनपुर के लोगों की मांग पर बसेड़ी विधायक अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग खिलाड़ीलाल बेरवा ने नादनपुर को उप तहसील का दर्जा दिलवाकर आज उसका फीता काट का शुभारंभ किया। इस मौके पर बसेड़ी उपखंड अधिकारी कुणाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बद्री परमार, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सदस्य भगवान सिंह कुशवा, बसेड़ी तहसीलदार मनोज भारद्वाज, नादनपुर नायब तहसीलदार संजय गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी राम खिलाड़ी शर्मा, बसेड़ी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा, थाना अधिकारी राम अवतार बैरवा, कांग्रेस नेता एवं समाज सेवी ओमकार शर्मा, सोनू शर्मा, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष श्यामू पंडित आदि लोग उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। भैया,
नेताजी ना आए, नेताजी नीचे रह गए। डर्फ स्तरीय शोध कार्यशाला का समापन। नवीनतम शैक्षिक योजनाओं पर शोध कर नवाचारों को प्रोत्साहन दें, महेश मंगल, धौलपुर की प्रमुख खबर। 3 दिवसीय अनुसंधान कार्यशाला का आज समापन हुआ। इस अवसर पर डाइट प्रधानाचार्य महेश कुमार मंगल ने शोधार्थियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सभी ने 3 दिन तक जिस लगन के साथ कार्य किया है, उम्मीद है आप फील्ड में भी उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ सर्वे शोध हेतु दत्त संकलन का कार्य करेंगे। इस अवसर पर IFIC प्रभागाध्यक्ष नीरज मित्तल, डर्फ एडवाइजरी बोर्ड डाइट धौलपुर के सदस्य जयसिंह शिकरवार, अध्यापक अतुल कुमार चौहान उप प्राचार्य, अशोक कुमार कोठारी उप प्राचार्य एवं नवल सिंह राठौर ने शोधार्थियों के साथ आकल्प एवं परिकल्पना निर्माण के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर शोधार्थ अनुराग शर्मा, जितेंद्र सिंह परमार, सत्यपाल सिंह, विश्वेंद्र सिंह शिकरवार, गोपाल प्रसाद, लोकेंद्र कुमार श्रोतीय, पवन मित्तल, संदीप कुमार, शिवशंकर शर्मा, मनोज कुमार शर्मा, सतीश कुमार तिवारी, रोहित कुमार, संदीप कुमार, सुनील कुमार, शैलेंद्र सिंह, अभिषेक शर्मा, भारत कुमार, मधु, चिंकी शर्मा, श्वेता शर्मा, याचना शर्मा, विमलाबाई मीणा, गीतम सिंह, सालेहा अख्तर, विक्रम सिंह उपस्थित रहे। धौलपुर में नर्सें संयुक्त संघर्ष समिति का हुआ गठन, 18 जुलाई से होगा आंदोलन, केशव देव मलहेला, धौलपुर की प्रमुख खबर। आज जिला अस्पताल धौलपुर के मीटिंग हॉल में जिले के समस्त नर्सेज ANM LHV की संयुक्त मीटिंग की गई, जिसमें 11 सूत्री मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। गौरतलब है कि उक्त 11 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान नर्सेज का जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन 2 माह से शांतिपूर्ण तरीके से चलने के बाद भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज धौलपुर के समस्त नर्सेज ने प्रांतीय नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर एक आकस्मिक मीटिंग कर नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया, जिसमें सर्वसम्मति से हरिशंकर शर्मा एवं अमृतलाल द्रोण को संघर्ष समिति का जिला संयोजक नियुक्त किया गया। आज की मीटिंग में मुकेश शर्मा, सुरेश शिकरवार, सरदार सिंह कुशवा, धनीराम शर्मा, शिव कुमार शर्मा, मोहर मीणा, पंकज मुदगल, अवरा खान, ओम प्रकाश लोधी, रविंद्र त्यागी, विकास त्यागी, जितेंद्र कुमार, सुरेश लोधा, प्रहलाद गुर्जर, रमाकांत परमार, जग्गी मान साहब, सुशील बघेला, केशव दिल मलहेला, धर्म सिंह गुर्जर, भगत सिंह आदि समस्त जिले के नर्सेज कर्मचारी उपस्थित रहे। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, धौलपुर की प्रमुख खबर। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं को कौशल विकास के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो युवाओं को उनके कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के उद्देश्यों में शामिल कौशल विकास में बच्चियों एवं महिलाओं के लिए सिलाई ब्यूटिशियन प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि आत्मनिर्भर रहकर स्वयं के लिए स्वरोजगार किया जा सके। संस्था के द्वारा अब तक 2000 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सिघावली विद्यालय में पोस्टर प्रतियोगिता में 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया एवं सेमिनार प्रतियोगिता में 8 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें सेमिनार प्रतियोगिता में प्रथम स्थान इंद्रजीत ने एवं द्वितीय स्थान आशा कुमारी ने प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ एवं संस्था से सत्येंद्र बघेला, दिलीप कुमार, राधेश्याम तोमर आदि लोग उपस्थित रहे। आज 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस है, जो हर 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इसकी मेन संस्था का नाम है हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था, जो मतलब मेन सरकार की तरफ से चलाई जा रही है और जिसके कई लोगों को लाभ मिल रहा है और से वो अध्ययन करके अपनी बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। ऐसे भारत में मतलब आत्मनिर्भरता बढ़ती है और कई बेरोजगार लोगों को उससे स्वरोजगार मिलता है। इस मतलब ये हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था चलाई गई है, इससे हमें या हमारे फ्रेंड्स को और कोई मतलब जानने को या विकास में उत्साहित करने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे हमारे जीवन में बहुत मतलब उतारा गया और जिससे काम भी आया है और वो सुचारू रूप से जारी रहे, ये हमारा मतलब हम इसके सदा आभारी रहेंगे। और इसका मेन होता है कि बात नहीं हो रहा इस संस्था में और मतलब आगे भी बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और आगे भी शायद चलता रहेगा।
जिससे कि कहीं जैसे हमारे जो पीढ़ियों को आने वाली पीढ़ियों को भी बेरोजगार की जा सकती है। भारत विकास परिषद शाखा ने की बच्चों की गोष्ठी, धौलपुर की प्रमुख खबर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व सुशिक्षित बचपन कार्यक्रम के अंतर्गत MGGES बाड़ा हैदरशाह व राजकीय सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय धौलपुर में बच्चों के साथ संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश गर्ग और सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर DK बंसल थे। कार्यक्रम के संयोजक व परिषद के उपाध्यक्ष मुकेश गर्ग ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों को और शिक्षक को चार बातें हमेशा संज्ञान में रखनी है। बच्चों को स्कूल की पुस्तकालय से अच्छी किताबें पढ़नी है और शिक्षकों को पुस्तकें उपलब्ध करानी है। डॉक्टर DK बंसल ने बताया कि स्कूल में बच्चों को सुसंस्कृत किया जाता है। उन्होंने विद्यालय को संस्कार युक्त पुस्तकें भेंट की। प्रकल्प प्रभारी मुकेश बंसल ने बालिकाओं की भलाई के लिए बने कानूनों के विषय में बताया। प्रांतीय पदाधिकारी राजीव झा ने कहा कि बालिकाओं ने हर क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका अदा की है। बड़ा हैदरशाह में प्राचार्य नरेश जैन और गर्ल्स स्कूल में प्रभारी मुकेश नगाइच ने स्कूल की गतिविधियों के विषय में बताया। भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी, कोषाध्यक्ष आदित्य गोयल, संयुक्त सचिव हेमंत पाराशर एवं स्कूल का संपूर्ण स्टाफ उपस्थित था। गवर्नमेंट PG कॉलेज धौलपुर में पढ़ा रहा था। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ और सरकार ने मुझे प्रोफेसर पद भी दिया। खुशी है कि जैन साहब के स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, तो बताओ कितनी जल्दी। तो मैं अपने विषय पे आता हूँ क्योंकि मुझे निर्देश है कि बहुत सीमित समय में अपनी बात आपको कहनी है। तो चूँकि जैसा विषय था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और संस्कार युक्त जीवन, अब से दोनों विषय इतने विशाल हैं कि मैं इनमें कहाँ तक संक्षिप्तीकरण करूँ, फिर भी अपनी समझ से अपनी बुद्धि से अपनी छोटी बुद्धि से जो कुछ भी कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ